YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत पलामू जिले को खुले में शौच से मुक्त कराने हेतु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह आज जिला मुख्यालय डालडगंज पहुंचे और जिला प्रशासन के साथ डीआरडीए सभागार में बैठक कर कार्य प्रगति की गहन समीक्षा की। बैठक की अध्यक्षता विभाग के प्रधान सचिव श्री सिंह ने की, जहाँ उपायुक्त अमित कुमार के अलावे उप विकास आयुक्त और क्षेत्रीय पदाधिकारी भी शामिल रहे। ओडीएफ कराने की दिशा में जिला प्रशासन की ओर से कराए जा रहे कार्यों पर प्रधान सचिव ने संतोष जाहिर किया और जल्द से जल्द लक्ष्य हासिल कर लेने पर बल दिया। पलामू आगमन के मौके पर प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह ने डालडगंज के नगर भवन में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और सखी मंडल का एक दिनी कार्यशाला सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर मौजूद सखी मंडल सदस्यों, जल सहिया व दीदियों को उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गाँव को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए सकारात्मक कार्य करने पर बल दिया। कहा कि अपने अपने घरों में शौचालय का निर्माण कराएं और दूसरों को भी शौचालय निर्माण और उसके समुचित उपयोग के लिए प्रेरित करें। शौचालय निर्माण और उसके उपयोग के फायदे से भी उन्होंने शिरकत कर रहे कर्मियों को अवगत कराया, साथ ही मिशन को एक जन आंदोलन का रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया। बाद में स्थानीय परिसदन भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह ने पत्रकारों से मुखातिब होकर कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की सफलता में मीडिया एक अहम कड़ी के रूप में है। बड़े बदलाव के लिए सबकी सहभागिता आवश्यक है और दूसरों को भी शौचालय निर्माण और उसके समुचित उपयोग के लिए प्रेरित करें। शौचालय निर्माण और उसके उपयोग के फायदे से भी उन्होंने शिरकत कर रहे कर्मियों को अवगत कराया, साथ ही मिशन को एक जन आंदोलन का रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया। बाद में स्थानीय परिसदन भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह ने पत्रकारों से मुखातिब होकर कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की सफलता में मीडिया एक अहम कड़ी के रूप में है। बड़े बदलाव के लिए सबकी सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से स्वच्छ भारत मिशन के कार्यक्रमों की सही तस्वीर पेश करने का आग्रह भी किया, ताकि मिशन में बाधा उत्पन्न करने वालों को चिन्हित कर प्रशासन की ओर से दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सके। आज ऐसे यहाँ पे तीन किस्म से हम लोगों ने तीन ग्रुप से इंटरेक्शन किया है। एक जिला प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारियों और क्षेत्रीय पदाधिकारी, BDO और जितने स्वच्छता से जुड़े हुए मिशन के कर्मी हैं, उन सारे लोगों के साथ एक हम लोगों ने विमर्श किया और उस विमर्श में ये पता चला कि पिछले 1.5 साल में पलामू ज़िले ने करीब 20% कवरेज बढ़ाया है और जो जितना पिछले 1 साल में हुआ उतना अभी 6 महीने में हो गया। तो अब आशा है कि पलामू ज़िला बहुत तेज़ी से इस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। हम लोगों ने खाली 2 अनुरोध किया है जिला प्रशासन से। एक ये कि अपने जो नंबर हैं IMIS बेसलाइन के, उसको ठीक कर लीजिए। कोई सुयोग्य आदमी नहीं छूटे, गरीब नहीं छूटे, विकलांग नहीं छूटे, जिसे आजकल दिव्यांग के नाम से लोग चिन्हित किए हुए, और कोई अमीर आदमी, सरकारी कर्मचारी या बड़ा कार ओनर और ये, उनके घर पे अनावश्यक रूप से अनुदान ना जाए, तो ये एक वो काम, बाकी उनके सारे काम ठीक चल रहे हैं। दूसरा, हम लोग एक इंटरेक्शन कर रहे थे सामाजिक मूवमेंट का और इस्तेमाल का, तो वो वहाँ पे कुछ जो आंगनबाड़ी से संबंधित, फिर VOs, SHG और कुछ VWSC के दीदी लोग थी और मुखिया जी लोग कुछ आए थे। आज कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती के नाते थोड़ी सी उपस्थिति वहाँ पे कम थी, वो हम लोग फिर से करेंगे वहाँ पे। लेकिन जो लोग थे काफ़ी जागरूक थे, उन लोगों के साथ हम थोड़ा इंटरेक्ट हम लोग कर सके और उनसे अनुरोध किए कि भाई आप अपना स्वतः बनाइए शौचालय और लोगों को प्रेरित करिए कि वो अपने घर में स्वतः बनाएं और इस्तेमाल करें। और तीसरा यहाँ पे था कि जो मीडिया के साथ, कि आप लोग जो ये सामाजिक आंदोलन है, तो सामाजिक आंदोलन बिना मीडिया के नहीं चलाया जा सकता। आप सही स्टोरी, सक्रिय स्टोरी ले आएं, कंस्ट्रक्टिव, जिससे प्रोग्राम भी आगे बढ़े और प्रोग्राम में जो आगे बढ़ाने में बाधा करने वाले या गलती करने वाले लोग हैं, उनको भी चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई जिला प्रशासन कर सके। तो मुख्यतः यही कारण। थैंक यू।